अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू कौशल परवीन ऑफिशियल कुकिंग यूट्यूब चैनल। आज के हमारे कुकिंग चैनल में हम बनाएंगे पोटैटो एग फ्राइड राइस। ठीक है, तो उसके लिए हम लोगों ने सबसे पहले जी चावल ले लिए, हमने हाफ के जी हमने राइस लिए और हमने ये 4 मीडियम साइज़ के पोटैटो लेके तो उनको फिंगर चिप्स के उसमें शेप में काट लिया। ठीक है, साथ में हमने ये लिया है मीडियम साइज़ का प्याज, उसको स्लाइस करके रख लिया, एक मीडियम साइज़ का टमाटर और साथ में ग्रीन चिलीज को हमने लेके इस तरह से स्लाइस करके रख लिया और इसमें अंडे लिए थे हमने 2, उनको इस तरह से फ्राई कर लिया हमने पहले से ही और उसको इस तरह से मीडियम साइज़ के इसके पीसेस कर लिए हैं। फिर आप ये दम के टाइम ऐड करेंगे। स्पाइसेस में हमने सॉल्ट लिया है टेस्ट के अकॉर्डिंग लिए आप, और इसमें लहसुन अदरक डालेंगे हम लोग, रेड चिली पाउडर है इसमें, साबुत गर्म मसाला है थोड़ा सा और साथ में हमने होम मेड जो है वो अचार लिया। इसकी रेसिपी भी हमारे चैनल पर आप लोग वहाँ से देख सकते हैं, इसके अंदर हम अचार भी ऐड करेंगे। अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं इसको, बहुत ही कम चीज़ों में बन जाएगा। अगर आपको कभी कोई चीज़ बनानी है इतना चावल और कोई चीज़ ना हो ज़्यादा घर में, तो आप लोग आलू और अंडों के साथ ये बना सकते हैं। तब हम बनाना स्टार्ट करते हैं। चावलों के लिए हमने मसाला बनाने के लिए रख लिया। ठीक है, तो हमने सबसे पहले ऑयल डाल दिया उसमें, प्याज को फ्राई करेंगे, प्याज को गोल्डन ब्राउन करेंगे, इसका कलर निकालेंगे, उसके बाद हम इसके अंदर काफ़ी स्पाइसेस ऐड करेंगे। प्याज हमने ब्राउन कर लिया, अब इसके अंदर एक प्याली पानी, थोड़ा सा पानी ऐड करके तो इसको ढक देंगे। प्याज ने पानी बंद छोड़ दिया पानी के अंदर, अब हम इसके अंदर लहसुन अदरक ऐड करेंगे। फ्लेम को मीडियम रखेंगे, इसकी थोड़ी सी लहसुन अदरक की भुनाई करेंगे कि इसकी खुशबू महक आने लगते, जैसे ही आएगी तो हम लोग बाकी स्पाइसेस भी ऐड कर देंगे। लहसुन अदरक हमने भून लिया है, क्योंकि अब इसके अंदर बाकी सारे स्पाइसेस में अचार नमक मिर्च सब कुछ ऐड करते हैं, मिक्स कर लेते हैं अच्छे से। पानी आप लोग छोटी प्याली में पा सकिएगा, अगर छींटा पानी के लिए ऊपर थोड़ा सा हल्का होने से पानी दे उतना ऐड कर लेते ताकि मसाले नीचे ना लगते हैं, ज़रा तेज़ आंच करके तो इसको भून लेते हैं। साथ ही इसमें टमाटर और हरी मिर्च भी ऐड कर देते हैं। साथ ही हम आलू ऐड कर देंगे ताकि जब तक ये टमाटर पकेंगे साथ साथ आलू भी गलते रहें इसके अंदर। आलू हम इसमें ज़्यादा डाल रहे हैं क्योंकि चावलों में और तो कोई चीज़ डाल नहीं रहे, आलू वाले चावल बना रहे हैं तो इसमें आलू को ज़्यादा डालेंगे। सात मिनट के लिए हम 5 से 7 मिनट के लिए इसको भून लेंगे ज़रा, उसके बाद हल्का सा पानी ऐड करके बिल्कुल अगर ज़रूरत पड़ी, अगर ज़्यादा आलू सख्त हुए तो हल्का सा पानी डाल के इसको ढक देंगे 2-3 मिनट के लिए, वरना जो है ये प्याज जब हमने पानी डालना है चावलों के लिए तो उसमें भी आलू पक देंगे। अब इसको ज़रा 7 मिनट के लिए भून लेते हैं। आलू की हमने 5 से 7 मिनट के लिए भुनाई कर ली है, अच्छे से इनको भून लिया है। ठीक है, तो
अभी आलू ज़रा नरम हो चुके हैं, हम इसमें हल्के से उन्हें पक गए। अब इसके अंदर हम पानी ऐड करते हैं। हमने जितनी जिस प्याली से भी आप लोगों ने या जिस चीज़ से भी आप लोगों ने चावल को नापा था ना, उसी साथ हम लोग पानी लेंगे, तो डबल क्वान्टिटी में हम वाटर डालेंगे। चावल अगर आपके अच्छे वाले हैं तो आप लोग पूरा पानी डालें, अदरवाइज आप लोग थोड़ा कम पानी डालें। अब इसको ढक देते हैं, जैसे ही ये पानी बॉयल होना स्टार्ट होगा तो इसके अंदर हम चावल डाल देंगे। चावल हमने सोख करके 10 मिनट के से रखे हुए। चावलों का पानी बॉयल होना स्टार्ट हो गया, अब इसके अंदर हम चावल ऐड करेंगे। चावलों को हमने 10 मिनट के लिए सोख करके रखा था, ये अच्छे से हो चुके हैं। अब आप चाहें तो अगर आपके चावल अच्छे हैं तो आप लोग इसको ढक के भी पका सकते हैं मीडियम फ्लेम पर, अदरवाइज आप इसको ऐसे ही बगैर ढक्कन के तो आप लोग इसको पका लें। चावल में से पानी तकरीबन खुश हो चुका है, इतना सा हम लोग दम के लिए रखेंगे, ठीक है। अब इसके अंदर हम दम पे रखने से पहले हमने अंडा बना के रखे पहले से फ्राई फ्राइड कर रहे हैं। अब इसको हल्की आंच पे आप लोग नीचे तवा लगा के तो इसको दम पे रख लें। 5 मिनट के लिए हम दम पे रखेंगे, उसके बाद आपको डिश आउट करके इसका फाइनल रिजल्ट दिखाते हैं। एग पोटैटो राइस बिल्कुल रेडी है, ये देखिए हमने डिश आउट कर लिया। आप देख सकते हैं इसके अंदर हमने अचार भी डाला था, मिक्स अचार हमने डाला था ताकि इसका टेस्ट अच्छा हो जाए। बहुत ही सिंपल और मज़ेदार रेसिपी, आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और हमें कमेंट सेक्शन में फीडबैक ज़रूर दीजिएगा।